थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। हरताली का तीज शिव महापुराण की कथा ही नहीं, आप जो तीज करते हो, हरियाली करो चाहे सातुड़ी करो, उस तीज की महत्वता क्या है, इस हिंगोली की शिव महापुराण की कथा में अपने को समझना है कि उसकी मूल तत्वता, उसकी महत्वता है क्या, उसका महत्व क्या है। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों की जो अर्धांगिनियां हैं, ब्रह्मणी, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों ने तप कर साधना कर ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को प्राप्त किया, और तीनों ने प्राप्त कर तीनों देवताओं से वर मांगा कि वर हमको ऐसा दीजिए कि हमारे तप साधना का फल नारी को तीज के दिन प्राप्त हो जाए। अब देखिए जरा, एक ही व्रत से, एक ही उपवास से उसको संपूर्ण तप साधना का फल प्राप्त हो रहा है, संपूर्ण तप साधना का फल उसको मिल रहा है मात्र एक व्रत से, केवल एक व्रत कर रहे हैं, संपूर्ण तप साधना का फल उसको प्राप्त हो रहा है। ऐसा कोई व्रत, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई मणि ने ब्रह्मदेव से मांगा, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से मांगा, पार्वती जी ने भगवान शिव से मांगा कि ऐसा वर दे दीजिए जिस वर से एक ही व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाए, संपूर्ण फल मिल जाए, ऐसा एक व्रत का फल दे दीजिए, मात्र एक व्रत का। अब देखिए, हरियाली तीज करने वाली माताएं थोड़ा ध्यान से सुनना, हरियाली तीज जब माताएं करती हैं तो एक हरियाली तीज, एक गणगौर की तीज, ये दो तीज के व्रत ऐसे होते हैं जिसमें जब माताएं करती हैं तो उस समय पर उमा, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन तीनों की आराधना का फल उसको केवल एक व्रत से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए दूसरा, सातुड़ी तीज, इसमें उमा और महेश्वर, उमा और महेश, ब्रह्मणी और लक्ष्मी, इन चार के व्रत तप का फल एक साथ सातुड़ी तीज के दिन प्राप्त हो जाता है। अब एक आती है हरताली का तीज, आप लोग करते हो हरताली का, यहाँ लोग करते कि नहीं करते, करते हैं यहाँ पे हरताली का, कौन कौन करता है जरा हाथ उठाओ तो जरा, अरे सभी करते हो, रखो रखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। एक आती है हरताली का तीज, इस तीज का व्रत माता पार्वती बेल वृक्ष के आनंद के साथ में फुलेरा बनाकर करती है, और जिसमें इस हरतालिका में माता पार्वती जी के जितने जन्म पहले हुए हैं, माता पार्वती का जन्म तो 52 नंबर का, 52 नंबर पे माता पार्वती का जन्म है, इससे पहले तो माता के 51 जन्म पहले हो चुके, 51 जन्म माता पार्वती का पहले हो चुके, तो वो जितने जन्म माता पार्वती पूर्व में ले चुकी हैं, ब्रह्मणी जितनी बार ब्रह्मदेव के साथ में विराजमान हो चुकी हैं, इंद्राणी जितनी बार इंद्र के साथ विराजमान हो चुकी हैं, और लक्ष्मी चाहे वो राधा के रूप में हो, चाहे वो रुक्मिणी के रूप में हो,
चाहे वो सतभामा के रूप में हो, चाहे वो यमुना के रूप में हो, चाहे वो गंगा के रूप में हो, जितनी बार माता लक्ष्मी ने रूप धारण करे हैं वो सब रूप में, और माता पार्वती अपने सारे रूप में, ब्रह्मणी अपने सारे रूप में, लक्ष्मी अपने सारे रूप में, इस हड़ताली का तीज के व्रत को करने के लिए आतुर रहती हैं, और इस व्रत को कल कर एक दिन में ही संपूर्ण विश्व का जितना तप है, साधना है, उपवास है, सबका फल एक सांस एकाग्रित कर लेती हैं केवल एक व्रत में हड़ताली का तीज। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, सारे व्रत आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो आप व्रत छोड़ सकते हो। जितने भी व्रत आप लोग कर रहे हैं पूर्व के, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, छठ, पंचमी, चतुर्थी, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो, सारे व्रत को छोड़ सकते हो। पर तीज का जो व्रत होता है, हड़ताली का जो व्रत होता है, ये व्रत एक बार लेने के बाद जब प्राण छूटते हैं तभी ये व्रत समाप्त होता है, अन्यथा बीच में ये व्रत समाप्त नहीं। ये व्रत समाप्त होता ही नहीं। अगर शरीर से नहीं बनता कि अब हमारी अवस्था हो गई, अब शरीर से नहीं बन रहा है, तो भले एक पहर की पूजन कर एक पहर का नियम धारण कर एक पहर का स्मरण कर एक पहर का पूजन कर धारण करो, और उसके बाद में भले आप थोड़ा सा जो भी आपको लेना है वो कर लो, पर इस व्रत को करना ही पड़ता है। इस व्रत का नियम ही यही है। इस व्रत की जब माताएं पांच पूजन पूरी कर लेती है, अगर मान लो तीन चार पूजन में नहीं भी पहुंची तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, पांचवी पूजन पर जब माताएं जाती है हड़ताली का तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं, तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में उसका स्पर्श करती हैं, उसका करने का कारण केवल एक होता है कि हड़ताली का तीज की पूजन के फुलेरे का स्पर्श करने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है, जो व्रत कर रही होती है उस फुलेरे को खोलते समय उसका स्पर्श होना चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर दीजिए। गुरुदेव जितने उपाय बताते हैं आपको अपने इस चैनल से प्राप्त होते रहते हैं। हड़ताली का तीज का जो व्रत होता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, खासकर सुहागन महिलाओं के लिए, और जो लड़कियाँ अच्छा वर पाना चाहती, मनपसंद वर पाना चाहती है, वह भी फूल तीज का व्रत जरूर करती है। गुरुदेव बता रहे हैं देखो इस तरह से होता है, फुलेरा फूलों से बनता है, पत्तियों से बनता है, फूल और पत्ती को दोनों मिलाकर के बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और इस हड़ताली का तीज के दिन फुलेरे का स्पर्श करने मात्र से महिलाएं अखंड सुहागन रहती है, गुरुदेव ने बहुत ही अच्छे से इसको बताया है। तो बस अगर आप व्रत करते हो चाहे नहीं करते हो, जो महिलाएं व्रत करती हैं उनके वहां जाकर के आप फुलेरा का स्पर्श करें, दर्शन करें, फूल पत्ती ही अपने यहां से ले जाएं, और वो जो भगवान का शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं उस दिन उस पर आप भी जरूर चढ़ाएं। जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है वह भी हड़ताली का तीज के दिन पाँच पत्तियाँ, पाँच फूल ले जा करके शिवलिंग पर अर्पण करें, और फुलेरा का स्पर्श करते हुए मनोकामना मांगे कि विवाह जल्दी से हो जाए। गुरुदेव बताते हैं निश्चित तौर पर 3 महीने में ही विवाह निश्चित हो जाता है, सगाई हो जाती है। तो ये छोटा सा उपाय है, और यह हमने पिछले साल करके भी देखा, हमारे पड़ोस में एक लड़की का विवाह नहीं हो रहा था, उसने फुलेरा का स्पर्श किया और उसी वर्ष उसकी शादी हो गई। तो ये बहुत ही अचूक और हमारा देखा हुआ उपाय है, आप जरूर करके देखिएगा। फुलेरा का दर्शन सभी महिलाएं जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें।